नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? तुझे तुझे गलत तो नहीं हुई? नहीं सुलोचना, मुझे ठीक याद है उनका चेहरा कंबल के नीचे ढका हुआ। लोग उन्हें बहुत बुरी तरह से पीट रहे थे, तभी मानो ने अगर उन्हें। मेरा यकीन करो सुलोचना, ये वही है। लेकिन उस दिन सगाई के दिन ये सब लोग हमारे घर आए थे, मैंने तुम्हें उनसे मिलवाया था, उस दिन तुमने कुछ नहीं कहा। तब भी मैं यही सोच के हैरान थी कि मैंने उन्हें कहाँ देखा है, और आज भी नहीं याद आ रहा था। मैं वही तो सोच रही थी कि मैंने कहाँ देखा है इन्हें, और मैंने उन्हें फिर से शराब पीते आते हुए देखा, तभी मेरे दिमाग में चमका और मैं तुझे बताने आई। ये मानव के बाबा ही है ना? हे भगवान, ये तो मानव के बाबा, इन्होंने शराब पी है। क्या हालत बना रखी है इन्होंने अपनी, जरा देखिए तो, शराब पी रखी है क्या इन्होंने? अपने बेटे की शादी में कोई शराब पीकर आता है? कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है ना। वाह क्या बात है बेटा, तीर ठीक निशाने पे लगाया है। अब अपने आई का कमाल देख। अंकल, कांता जी, वो एक बात करनी थी आपसे। मुझसे? हाँ, एक्चुअली ये बात मुझे सुलोचना जी के साथ करनी चाहिए, लेकिन लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। प्लीज, आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए। जी, वो क्या है ना, करंजकर फैमिली के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। जी हाँ, वो तो मैं भी देख रही हूँ। नहीं, मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ। बाप तो बाप, बेटे ने भी बहुत छल किया है उनके साथ। मतलब? वो सांप को देख रही है आप? जानते हैं वो कौन है? मानो जिस गैराज में काम करता है ना, उस गैराज के मालिक है वो। क्या? लेकिन सुलोचना तो कह रहे थे कि जी, उन्हें लगा कि वो मानो ही गैराज का मालिक है, लेकिन बिल्कुल झूठ बात है ये। और मानो कुछ मैकेनिकल इंजीनियर वगैरह नहीं है, तो वो तो मामूली सा मैकेनिक है उस गैराज में। सुलोचना तो ये मेरी समधन है, मैं एकदम जाकर उनको बताऊंगी तो वो अच्छा नहीं लगेगा ना। आप तो उनकी सहेली है,
अगर आप कुछ कर सकते हैं तो हाँ मैं जरूर बताऊंगी सुलोचना को। सुलोचना मानव वो क्या मानव क्या अब मैं तुझे कैसे बताऊं वो मानव है ना वो मैकेनिकल इंजीनियर नहीं है वो सिर्फ मैकेनिक है। क्या कह रही हो तुम? हाँ मैं सच कह रही हूँ सुलोचना। अभी अभी मुझे रसिका जी ने बताया। रसिका जी ने क्या कहा आपने मेरे दामाद के बारे में? वही जो सच है। आपको क्या हक है मेरे दामाद के बारे में ऐसे अनाप शराब बातें करने का? अरे मैं कहाँ कुछ बोल रही हूँ, वो जो मानव के बॉस ने मुझे बताया वही मैंने आपकी सहेली को बताया। आप भी तो मिली थी ना उनसे, तो आपको मालूम नहीं? मानव एक मामूली मैकेनिक की हैसियत से उनके गैराज में काम कर रहा है। कमाल है, इतना आम इतना कम पढ़ा हुआ लड़का आपने अपनी बेटी के लिए कैसे चुन लिया? सब झूठ है। हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि वो आदमी जो खुद को मानव का बॉस कहलाता है मनगढ़ंत कहानियां बता रहा है। आप एक बार उनसे मिलकर उनसे बात क्यों नहीं करते सुलोचना ताई? आपसे जरा बात करनी थी। तमाशा शुरू हुआ है बेटा, अब आएगा मजा। मुझे मरवाएगा। ये मानव आपके गैरेज में? अपने दामाद की असली औकात पता चल जाएगी उसे। उनकी शक्ल बता रही है कि फूल खुल गया है। पानी मानो को उसके कहर से बचाए। एक मामूली सा मैकेनिक, वो भी 10वीं पास, अपना दामाद,
ये सच्चाई शायद बर्दाश्त नहीं कर रही है सुलोचना। सच्चाई पहले से ही जानते थे सुलोचना ताई, लेकिन अगर आपको बताते हो तो ये फ्री शो कैसे देख पाते? क्यों नहीं हा? क्यों मेरे सर पे नाचता रहा? अभी तक शादी की रस्में खत्म नहीं हुई, जा भाई की शादी तुड़वानी है क्या? ये मवाली मानव का भाई आदत ये झूठ बोलेगी। माँ बाप बेटा और भाई भी भी अच्छा है, लड़का भी अच्छा है, मैकेनिकल इंजीनियर है, उसका खुद का गराज है। क्या बात कर रही है भाई, अच्छा और मानो ग्रेट। मैं तो चाहती हूँ जल्दी से जल्दी उसके घर रिश्ता लेकर जाए। इतना कामयाब है अपनी जिंदगी में, क्या कहूँ तुम्हें। बड़ों की इज्जत करता है, मुझे तो उसने इतनी इज्जत दी, इतनी इज्जत दी कि क्या बताऊं। सच कहूँ तो अपने अर्जू के लिए वो एक सही लड़का है। हमारे मानव ने दूसरी लड़की का रिश्ता समझ के तस्वीर नहीं देखी और बिना तस्वीर देखे उसने शादी से इनकार कर दिया। अभी हमें उसके मन की क्या खबर थी? जब उसने अर्चना की तस्वीर देखी और समझ लो हमारी तरफ से शादी के लिए। हाँ, अरे मानव की पसंद तू है। हमारे घर की बहू बनेगी तो सिर्फ अर्चना। आपकी बेटी सुशील है, सुस्वभावी है, संस्कारी है, रिश्तों की अहमियत रखती है, और क्या चाहिए। आज ये देखने दिखाने का सिर्फ रिवाज। मैं आपको बताती हूँ, बड़े बड़े पैसे वाले अपनी बेटियों के लिए हमारे घर के बाहर लाइन लगा के खड़े रहते हैं। हमारे मानव के लिए आपकी अर्चना ही ठीक है। हमारा मानव मैकेनिकल इंजीनियर है। इनके मांग में सिंदूर दान कीजिए। रुक जाओ, नारायणी नमस्तुते।
कार्य मांगल्ये शिव सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते नारायणी नमोस्तुते। ये शादी नहीं हो सकती।